इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1 कप आटा। आटे को मैंने पहले से साफ़ कर लिया है। साथ ही ले लेंगे 1/2 कप मैदा। अब मैं ले रही हूँ 1/2 कप ही सूजी। सूजी से ये बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है। आप चाहे तो इस रेसिपी को सिर्फ आटे से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। 1/2 छोटा चम्मच डाल देंगे कसूरी मेथी। 1/2 छोटा चम्मच ही मैं ले रही हूँ अजवाइन। अजवाइन से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है, तो इसे हल्का सा हाथ में क्रश करके डाल देंगे। 1/2 छोटा चम्मच ले लेंगे नमक, या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक इसमें डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच के करीब मैं ले रही हूँ दरदरी कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर। साथ ही ले लेंगे उबले हुए आलू। इसे मैंने कद्दूकस किया हुआ है, तो 2 बड़े चम्मच उबले हुए आलू इसमें डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। मोइन के लिए ले लेंगे रिफाइंड तेल, तो इसी टाइम पर रिफाइंड तेल भी इसमें डाल देंगे। लगभग 4 से 5 चम्मच मैं रिफाइंड तेल ले रही हूँ। ये मैंने 5 चम्मच के करीब रिफाइंड तेल लिया है। इसे भी इस आटे में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पर मोइन को चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं आटा अभी बिखर रहा है, तो मैं थोड़ा सा तेल इसमें और डाल रही हूँ। तो ये 3 से 4 चम्मच मैंने और तेल लिया है। वापस से मोइन चेक कर लेते हैं, तो अब आप देख सकते हैं ये हल्का सा हार्ड हो चुका है और मोइन इस टाइम पर अच्छे से लग गया है। तो अब इसका हमें डो बनाकर तैयार करना है। नॉर्मल टेम्परेचर का मैंने पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा करके पानी यूज़ करेंगे और एक डो बनाकर तैयार कर लेते हैं। डो लगकर तैयार हो चुका है और नॉर्मल जैसे हम डो लगाते हैं सेम वैसा ही ये बनाकर मैंने तैयार किया है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, हल्का सा इस पर ऑयल लगा देंगे। और अब इस आटे को हम ढककर लगभग 10 से 15 मिनट तक रख देते हैं। और यहाँ पर पानी आप देख सकते हैं थोड़ा सा बच गया है, यानी कि 1 ग्लास से भी कम पानी यूज़ हुआ है। इस आटे को साइड रख देंगे और अब हम फिलिंग की तैयारी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 1/2 कटोरी के करीब मटर, पत्ता गोभी है बारीक क्रश किया हुआ है इसे मैंने, गाजर लिया है और साथ ही शिमला मिर्च ली है, 1 हरी मिर्च ली है मैंने। ये जो मटर हैं इन्हें हमें हल्का सा क्रश करना है, नहीं तो ये खाने में अच्छे नहीं लगेंगे या फिलिंग में फट भी सकते हैं। तो क्रशर में इन्हें डाल देंगे और इसी में डाल देंगे हरी मिर्च। तो जितनी आप मिर्च पसंद करते हो उतनी मिर्च इसमें डालें। चाहे तो इसे मिक्सी में भी क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए इस टाइप का ही हमें ये चाहिए है, हल्का सा दरदरा। गैस पर मैंने पैन रखा है और उसमें डाल देंगे थोड़ा सा तेल। इस तेल में डाल देंगे जीरा 1/2 छोटा चम्मच। 1/2 छोटा चम्मच मैं ले रही हूँ राई, आप इसकी जगह सरसों भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं ले रही हूँ लहसुन अदरक का पेस्ट 1/2 छोटा चम्मच। अब इसमें डाल देंगे पत्ता गोभी।
और साथ ही ये गाजर भी डाल देंगे और शिमला मिर्च। इसी में डाल देंगे मटर जिसे हमने क्रश किया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाई फ्लेम पर एक मिनट भूनने के बाद आप देख सकते हैं सब्जियों में जितना मॉइस्चर था वो ख़त्म हो चुका है। तो इस टाइम पर इसमें डाल देंगे उबला हुआ आलू, जो आलू बचा था वो इसमें डाल देते हैं। लगभग 2 से 3 बड़े चम्मच ये आलू है। आलू इन सारी सब्जियों को बाइंड करने का काम करेगा। आप चाहे तो इसकी जगह पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, उससे ये और हेल्दी बनकर तैयार होएगा। कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैं ले रही हूँ धनिया पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, 1/4 चम्मच ले रही हूँ गरम मसाला पाउडर, बहुत ही हल्की सी 2 चुटकी के करीब मैं हल्दी पाउडर ले रही हूँ। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिक्स कर देंगे। 1/2 चम्मच के करीब मैं ले रही हूँ चाट मसाला पाउडर। फ्लेवर और कलर और भी बढ़िया बनाने के लिए मैं ले रही हूँ पाव भाजी मसाला 1/2 छोटा चम्मच। बस पाव भाजी मसाला है तो आप उसे यूज़ करें, अदरवाइज़ आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च यूज़ की है, इसलिए लाल मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाली है। आप चाहे तो अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च मिक्स कर सकते हैं। लगभग 1 मिनट के लिए मैंने इस मसाले को और भुना है और अब आप देख सकते हैं कि पैन को छोड़ रहा है, यानी कि पूरी तरह से ये ड्राई हो चुका है। तो इस टाइम पर गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और अब इस फिलिंग को हल्का सा ठंडा होने देते हैं। ये जो हमने आटा रखा हुआ था तो अब इसे चेक कर लेते हैं। इस आटे की एक लोई ले लेते हैं। लोई को सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे और जैसे हम एक रोटी बनाते हैं वैसे ही इसकी एक रोटी बनाकर तैयार करेंगे। रोटी यहाँ बेल ली है मैंने और आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ी सी मोटी है। जो हमने फिलिंग बनाकर रखी हुई थी वो इसके ऊपर फैला देंगे। इस टाइम पर फिलिंग पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है तो 2-3 बड़े चम्मच इसके ऊपर फैला देंगे। ये देखिए सारी फिलिंग मैंने इस पर फैला दी है और अब इसे हमें रोल करना है। तो इसका एक सिरा लेंगे और इसे ऐसे ट्विस्ट करते हुए रोल कर लेंगे। हल्का सा कस कर इसे रोल करें ताकि ये फटे ना। अब इस रोटी के जो एजेस हैं इसे हल्का सा कट कर लेते हैं, इसे साइड हटा देंगे और इसके बाद एक बराबर इसे कट कर लेना है। जितनी भी बड़ी आप ये नाश्ता बनाना चाहते हों उतना बड़ा आप इसे कट करें। तो इक्वली इन्हें कट करते जाना है। सारे पीसेस कट हो चुके हैं और अब आगे का प्रोसेस बहुत ही आसान है। जैसे ये हमने लिया, इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से फिलिंग भर चुकी है। इसे हाथ के बीच में रख के हल्का सा प्रेस कर देंगे। बस इस तरह से ये बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलता है। यूं आप इस नाश्ते को बनाइए, बहुत ही बढ़िया लगता है इसे बनाने में और इसका डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत आता है।
इस तरह से सारे पीसेस तैयार कर लेंगे। ये बहुत ही खूबसूरत सा दिखने वाला नाश्ता बनकर तैयार है, तो चलिए अब इसे तल भी लेते हैं। तेल जैसे ही गर्म हो जाए इसे फ्राई कर लेंगे। एक साइड से ये पक चुका है तो इसे मैं पलट ले रही हूँ। मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ, आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। क्योंकि इस मसाले को हमने पकाकर यूज़ किया है, इसकी जो फिलिंग है उसे हमने पहले से पकाया हुआ है, इसलिए ये बिल्कुल भी फटता नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है, तो जैसे ही ये गोल्डन से कलर में हो जाए इसे बाहर निकाल लेंगे। देख सकते हैं तेल बिल्कुल साफ है और बहुत ही कम तेल ये लेता है, तो बहुत ही कम तेल में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। इसी तरह से बाकी के भी तलकर तैयार कर ले रही हूँ। मैंने यहाँ पर गोभी का यूज़ किया है, आप चाहे तो ब्रोकली भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मटर को आप ज़रूर क्रश करके ही यूज़ करें, नहीं तो मटर तलते टाइम बिखर भी सकता है। ये हमारा कम तेल में बना हुआ नाश्ता तैयार हो चुका है, बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है और देखने में भी बहुत ही खूबसूरत है। इस नाश्ते को आप किसी चटपटी सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, एकदम कचौड़ी जैसा आपको टेस्ट आएगा, या फिर हरी चटनी या इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं। आप भी इस नाश्ते को बनाएं, आपको बहुत ही बढ़िया लगेगा। ये बहुत ही क्रिस्पी बना है, मैं आपको दिखाती हूँ, आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही क्रिस्पी है और तोड़ने पर भी बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी इस नाश्ते को बनाइए। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको आने वाली सारी नई नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए अभी के लिए बस इतना ही, मैं तो जा रही हूँ इस गर्मा गर्म नाश्ते को एंजॉय करने। मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।